हेलो राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो हो गई ये दिन की शुरुआत। देखिए मेरी मंदिर, मैंने पूजा कर ली है और मेरी मंदिर बहुत छोटी सी सुंदर सी है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताइएगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो नाश्ता वास्ता मैंने अपने हस्बैंड जी को करा दिया है। तो मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं घर, तो वो मुझे छोड़ के वहाँ पे चले जाएंगे और मैं, मेरा बेटा चले जाएंगे। कुछ कह रही हूँ, और फिर मैं पहुंच गई डॉक्टर की क्लिनिक। वहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट कराया, मुझे थायराइड टेस्ट कराना था, तो बस मैंने उसके लिए दिया ब्लड। मुझे इंजेक्शन से लगता है थोड़ा सा डर, ज़्यादा नहीं, तो बस मैंने दिया और ब्लड निकल गया। फिर शाम को रिपोर्ट लेने जाऊंगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। और मैं घर पहुंची और मेरी मुन्नू का रिएक्शन देखिएगा। पहले तो थोड़ा सा प्यार दिखाएगी, फिर आज वो गुस्सा भी दिखाएगी। आप देखिएगा मम्मी मेरी पूजा कर रही है, अभी रिएक्शन देखिएगा मेरी मुन्नू का आप सब लोग। तो भैया मुनमुन तो मेरी गुस्सा है। दो दिन के बाद मैं आई थी मम्मी के घर, तो उनका गुस्सा तो जायज़ होना बनता है। तो मम्मी मेरी कर रही है पूजा, देख लीजिए टाइम क्या हो रहा है। फिर मैं पहुंच गई किचन में, मैंने बनाई चाय, फिर हम लोग चाय नाश्ता किया। उसके बाद हो गया दिन का खाने का समय, तो मैं बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता। और इतनी ही लौकी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इतनी ही से बना देते, अब क्या मंगाना, वरना मंगानी पड़ती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिन में चल जाएगा, फिर रात की रात में देखेंगे। तो बस मैंने लौकी को छीला और उसके बाद ये मेरी लौकी है, टमाटर है, लहसुन लिया मैंने, ये अदरक और ये प्याज लिया है मैंने। उसके बाद मैं बनाऊंगी लौकी, तब तक मैंने कहा मसाले काट लेती हूँ, उसके बाद मैं कद्दूकस करूँगी लौकी को। तो पहले मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ मिक्सी में, मैं काट के उसी से धो लूँगी बाद में। तो मैंने कहा पहले काट लेती हूँ मसाले, मसाले सारे मेरे तैयार हो जाते हैं फटाफट। फिर मैं लौकी ग्रेट करूँगी, उसके बाद मैं जो भी बनाती हूँ आप देखते जाइए, मैं फटाफट बनाती जाती हूँ, आपको दिखाते जाती हूँ। तो आलमोस्ट मेरा प्याज तो डन हो गया है, मैंने प्याज, अच्छा ये बताइए आप लोगों को किस किस के प्याज काटने से आंसू आते हैं। मेरे तो बहुत आते हैं, लेकिन लोग कहते हैं जिनके आँखों में आंसू आते हैं उनकी सास बहुत प्यार करती है। मेरी सास तो मुझे प्यार नहीं करती हैं, तो मेरे आँख में आंसू क्यों आते हैं, ये इस बात का जवाब मुझे दीजिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी आँख में इतना प्याज क्यों लगता है, जब मेरी सासू माँ मुझे प्यार नहीं करती हैं। आप लोग को लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग बताइएगा। तो मेरा मसाला हो गया है डन, अब मैं जा रही इसको वॉश करके, फिर इसको मिक्सी में पीस लूँगी मैं, और फिर दिखाती हूँ मैं आगे क्या करना है। और मेरा जो गद्दा है वो बाहर धूप में डला हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी के घर में जो बिल्ली आ रही है वो बहुत शैतान हो गई है, तो उसने टॉयलेट कर दिया था। तो गद्दे को धोना है और धूप में डालना है, तो धुला नहीं है, धुला भी नहीं है, धोना है। तो उससे पहले मैंने धूप में रख दिया उसको, और कद्दूकस मेरा हो गया है। तो बस मैं डालने जा रही हूँ, हल्दी डाला है मैंने और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा डालूँगी मैं भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा हींग, हींग ज़रूरी है, और स्वाद अनुसार नमक। फिर मैं बेसन मिला के देखूंगी कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बेसन उसको लगेगा। तो मैंने पहले से कटोरी में निकाल लिया कि जितना लगे ठीक है उतना यूज़ करते हैं, बाकी तो मैं एक्स्ट्रा निकाल के रखी दूंगी अलग से। तो बस मैं बना रही हूँ मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते के लिए पकौड़ी। मेरी शेप मत जाइएगा, मैं चाहे जैसे बना लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। मायके में तो कुछ भी कोई बोलता ही नहीं है, चाहे जैसे बना लो, भाभी भी नहीं है तो मैं खुद ही हूँ, मम्मी मेरी कुछ कहती नहीं है, चाहे जैसे बनाओ, खाओ खिलाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस मैंने डाला ऑयल, ये देख लिए फ्राई करने के लिए पकौड़ी को। और उसके बाद मैं जा रही हूँ
पकौड़ियों को तलने। तो बस ऑयल मेरा गर्म हो गया है और मैं जा रही हूँ तलने। ये देखिए बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रोल किया, रोल करके बस मैंने डाल दिया। फटाफट मेरे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल रोटी और फिर कुछ भी। शाम को देखते हैं क्या बनना है, अभी का तो लंच का ही देखते हैं। और बस मेरा पकौड़ी तल रही है, कोफ्ते बन रहे हैं, तो मैं फटाफट बना रही हूँ। गर्मी बहुत है, आज मेरा साड़ी पहनने का पता नहीं कहाँ से भूत सवार हो गया था, जो मैंने आज इतनी गर्मी में साड़ी पहन रखी है। चलिए कभी कभार पहन लिया जाता है, कोई नहीं। मेरा बेटा जा रहा था नहाने तो वो भी आ गया है वीडियो में। कह रहा है मुझे ऐसे नंगू पुंगू आप ले रहे हो, तो मैंने कहा कैमरा बंद है, लेकिन कैमरा चालू तो मुझे भी याद नहीं था। तो ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसके बाद मैंने लगा दिया तड़का। तड़के में डाला है तेज पत्ता, फिर मैं डाल दूँगी सारे मसाले जो मैंने पीसे थे मिक्सी में। और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी मिर्चा धनिया जीरा सब कुछ, ये देख सकते हैं। तब तक मैं टमाटर पीस लेती हूँ। टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद मैं मसाले आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मसाले इसमें डालूंगी। तो मैंने डाला है हल्दी मिर्ची धनिया नमक स्वाद अनुसार गर्म मसाला और भुना हुआ जीरा। तो ये सब भी, तो गाइस ये सारे मसाले में प्याज भून रहा है, प्याज में डाल दूंगी और सारे मसाले डाल के वो भी भून लूंगी। तो आप जैसे देख सकते हैं मैं जा रही हूँ सारे मसाले डालने प्याज में। तो मैं सारे मसाले ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, बस इसको थोड़ा सा भून के फिर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला अच्छे से भून जाए और ये जले नहीं। तो थोड़ा सा देख लीजिए मैं भून रही हूँ मसालों को डाल के, सारे मसाले अच्छे से भून जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये देखिए पानी डाल दूँगी, फिर अच्छे से मसालों को भून लूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं पानी। तो मैं चली गई थी नीचे, कोई आ गया था तो मैं वो क्लिप बना नहीं पाई पानी डालते हुए, तो मैं दिखा रही हूँ मैंने पानी डाल दिया है। और फिर मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी, कोफ्ते डाल दूँगी। तब तक जब तक ये पकता है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। और उसके बाद मैंने देखिए कोफ्ता डाल दिया है, कोफ्ता मेरा अच्छे से पक गया है। फिर मैं उसने डाल दी हरी धनिया और फिर कोफ्ता तो पूरा तैयार है, रेडी है। उसके बाद हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर आ गई थी गाँव माता घर के बाहर मम्मी के। तो मम्मी ने खिलाया उनको रोटी और वो रोटी खा के वो खड़ी हुई थी। अक्सर आ जाती है कभी कभार, जब उनको भूख लगती है तो वो आ जाती हैं। तो बस मम्मी ने रोटी खिलाई, उसके बाद रात हो गई। मैं चली गई अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने, जो क्योंकि मैंने जांच 3 के कराई ऊपर थी। जाना। मैं गई थी देखी लेकर, मैं वापस आ रही हूँ। फिर मैंने मंगाया था ऑनलाइन सामान राशन थोड़ा सा, तो कोई भैया आए थे कुरियर से देने। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ भारती कश्यप के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो मैंने ये मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो सारा सामान आ ही गया है। और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय जी, राम राम जी।